कांग्रेस किसानों को समर्थन दे रही है, धर्म की पालना और मोदी सरकार कर रही है अधर्म की राजनीति, ये कहना है हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का। गुरुग्राम में किसान आंदोलन पर बोलते हुए शैलजा ने कहा कि 22 दिन से जारी किसान आंदोलन में अभी तक 40 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन ये मोदी सरकार का तानाशाह रवैया ही है कि उन्हें ना तो हाड़ तोड़ ठंड में बैठे किसान दिखाई दे रहे हैं और ना ही सुनाई दे रही है उनकी मार्मिक आवाज। साथ ही शैलजा ने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपति और धनाने लोगों के मुनाफे के बारे में ज्यादा सोच रही है, जबकि उन्हें किसानों की, मजदूरों की और मजबूरों की आह सुनाई नहीं दे रही। सरकार को चाहिए कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों को राहत दी जाए। शैलजा ने कहा कि जब किसी ने किसान कानूनों की मांग ही नहीं की तो फिर क्यों जबरन किसानों पर तीनों कानून थोपे गए। लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनना किसी भी सरकार का दायित्व होता है, लेकिन ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, तानाशाही में विश्वास रखती। जिस तरह से अध्यादेश लेकर आए और जिस तरह से संसद में बिल पारित करके कानून बनाए गए और उसके बाद किसानों मजदूरों की आवाज़ें ना सुनकर एक तरफा बात करना, उनको उनके ऐसे बदहाली पर छोड़ना, कड़ाके की ठंड, कोरोना महामारी, कितने किसान, 40 से ज़्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं इस आंदोलन के दौरान, लेकिन सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, मूक खड़ी है, किसानों को बरगला रही है, तारीख पर तारीख दे रही है। अगर ये हल निकालना चाहते तो पहले दिन से इनका रवैया अलग होता। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है और किसानों की, मजदूरों की भी यही मांग है कि ये तीनों काले कानून आप वापस करो। इनके कारण जो आपने आज देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हमारा अन्नदाता जो सबके पेट भरता है, आज उसे सड़क पर बैठना पड़ता है, कभी भूख हड़ताल करना पड़ता है, कितनों की जान चली जाती है। दो दिन पहले बाबा राम सिंह जी व्यथित होकर, दुखी होकर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। कितने किसानों की और आप जान की कुर्बानी लेंगे। ये सरकार जो ये जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है, इसको झुकना पड़ेगा। इसमें कोई ईगो या प्रेस्टीज ना सोचें, लोकतंत्र में लोगों की आवाज़, जन की आवाज़ ही सर्वोपरि होती है और सरकार को हमारे किसानों मजदूरों का सोचना चाहिए, ना कि मुनाफाखोर बड़े बड़े घरानों का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज गुरुग्राम की कमान सराय स्थित कांग्रेस ऑफिस में पहुंची थी, जहां उन्होंने संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी धारण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिटी टीवी, चंडीगढ़।